नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्राइम 100। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। जन आशीर्वाद यात्रा में नए मंत्रियों को लोगों से मिलाएगा बीजेपी। 265 जिलों को करेगी कवर। 16 अगस्त से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। केरल सोना तस्करी केस में बड़ा खुलासा। आरोपी का बड़ा दावा, सीएम विजयन यूएई ले गए थे नोटों के बंडल। पंजाब के सीएम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। बीजेपी सांसद ने ओवैसी को बताया भविष्य का जिन्ना। कहा करेंगे देश के एक और विभाजन की मांग। ताबड़तोड़ एक्शन और सख्ती से बौखलाए आतंकी संगठन। जम्मू एंड कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में आतंकी संगठन। इसरो ने लॉन्च किया EOS-03 उपग्रह। क्रायोजेनिक स्टेज में एक तकनीकी खराबी से मिशन आंशिक तौर पर फेल। WHO के मुख्य विज्ञानी ने कहा कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोलने की दी जाएगी प्राथमिकता। देश में स्लीपर सेल तैयार करना चाहता था आईएस। गिरफ्तार आतंकी जुफरी और अमीन ने उगले सनसनी खेज राज। केंद्र सरकार का राज्यों से अनुरोध। पूर्ण टीकाकरण वाले यात्रियों को मिले आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट दिखाने से छूट। भारत बायोटेक के टीके को वैक्सीन को सितंबर मध्य तक WHO से मिल सकती है मंजूरी। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट। ट्रैफिक एडवाइजरी की गई जारी। चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने खारिज की लालू प्रसाद यादव की याचिका। भारत में अल्पसंख्यक 11% ईसाई समुदाय के, सबसे ज्यादा 72% मिशनरी स्कूल। एनसीपीसीआर के सर्वे में कई बड़े खुलासे। इंदौर की स्वच्छता में जुड़ा एक और सितारा। बना देश का पहला वाटर प्लस शहर। कांग्रेस ने सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट निलंबित किए जाने का लगाया आरोप। कोरोना कर्फ्यू सिर्फ रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू। कोचिंग संस्थान भी खुले। सीएम योगी के निर्देश के बाद गाइडलाइन की गई जारी। शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। याचिका की गई खारिज। यूपी में 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल। सीएम योगी के शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ भौतिक रूप से पढ़ाई शुरू करने के दिए निर्देश। देश के पालिक सैनिक स्कूल को मिलेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का उपहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सैनिक स्कूल का लोकार्पण। आप सांसद संजय सिंह पर दर्ज मुकदमे में लखनऊ पुलिस ने मांगे दस्तावेज। जल शक्ति मंत्री ने भी भेजा कानूनी नोटिस।
व्यास घाटी में जुटेंगे भारत नेपाल के श्रद्धालु। महर्षि वेद व्यास की तपस्थली में 3 दिनी व्यास पूजन की शुरू हुई तैयारियां। यूपी में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए नई जल्द बनेगी कार्य योजना, पंचायत स्तर तक होगा क्रियान्वयन। अगस्त को गाजीपुर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। आंसू से भी हो सकेगी आरटीपीसीआर की जांच, 60 मरीजों की आंसू से की जांच, 20 मिले कोरोना पॉजिटिव। पीजीटी परीक्षा में सेंधमारी का मामला, ऑडिटर की गिरफ्तारी के लिए देहरादून जाएगी एसटीएफ प्रयागराज। औरैया में कन्या जन्म उत्सव आयोजित, सीएससी अधीक्षक कार्यक्रम में रहे मौजूद। आजमगढ़ में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, कई इलाकों में की गई चेकिंग। आजमगढ़ में पुलिस पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप, घर में घुसकर महिलाओं से पुलिस ने किया भद्दा, दलित परिवारों को धमका रही है पुलिस। फतेहपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, वैक्सीन ना लगाने पर दिख रहा लोगों में आक्रोश, कर्मचारियों पर लगा लापरवाही का आरोप। हमीरपुर में दुकान में रखे सिलेंडर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला सिलेंडर। जालौन में गुलाबी गिरोह सेना ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, महिलाओं की समस्याओं को लेकर सीएम का नाम दिया ज्ञापन, महिलाओं की पेंशन दोबारा शुरू करने की उठाई गई मांग। कानपुर देहात में बाढ़ प्रभावित गांवों में लगा मेडिकल कैंप, सीएमओ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांटा दवा। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन का महिला ने लगाया आरोप, महिला को दिया जा रहा था 20,000 रुपए का लालच, महिला की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। लखनऊ में लोकतांत्रिक साझा पार्टी ने घोषित किए पदाधिकारी, चुनाव को लेकर पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। संभल में स्वास्थ्य कर्मचारी पर आशा बहू ने लगाए गंभीर आरोप, काउंटर पर चर्चा बनवाने पर की गई अभद्रता। सुल्तानपुर में मोबाइल चोर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार, पुलिस ने 20 मोबाइल और 5,000 रुपए किए बरामद। आगरा में नर्स के घर में दबंगों ने जमकर मचाया तांडव, घर खाली कराने को लेकर हुआ हंगामा। बस्ती अयोध्या हादसे पर भीषण सड़क हादसा, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़, एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया निरीक्षण, पीड़ितों को जरूरी सामान कराया उपलब्ध। हमीरपुर में मेगा क्रेडिट कैंप का हुआ आयोजन, कैंप में बांटे गए 45 करोड़ के ऋण।
लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने मौत की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में लुटेरे के बड़े गिरोह का पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने चार बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से कई कीमती चीजें हुई बरामद। रायबरेली में जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधियों पर नहीं लग रहा है लगाम। बाइक सवार दबंगों ने युवक को मारी गोली। फतेहपुर में डीएम ने बाढ़ग्रस्त गांव का किया निरीक्षण, डीएम ने संभव मदद करने का दिया भरोसा। आजमगढ़ में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम ने नदी से हो रही कटान का किया निरीक्षण। फतेहपुर में लगातार बारिश से गरीब हो रहे परेशान, बारिश के चलते घर की गिरी छत। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी का कप्तान लगातार जारी, ग्रामीणों की हो रही अब आवागमन में परेशानी। सिद्धार्थनगर में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। राजधानी में फिर दिखा तेंदुआ, गोमती किनारे जंगलों में एक बार फिर दिखा तेंदुआ, तेंदुओं को पकड़ने में नाकाम हुई वन विभाग की टीम। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की भेंट, कुमाऊं में एम्स का स्थापना का किया अनुरोध। देहरादून में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पड़ा भारी, 13 मोबाइल किए गए जब्त। देहरादून में ग्राफिक एरा टीम यूनिवर्सिटी में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटियार पर फूलों की बारिश, 11 लाख की सम्मान राशि भी की गई भेंट। धामी के विधानसभा क्षेत्र में सुरई जंगल सफारी जोन में पर्यटकों के लिए बनेगा 27 किलोमीटर लंबा ट्रैक। उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली से शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, किसान से ठगे थे 3.5 करोड़। लक्सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही, शाम होते ही लटक जाता है ताला, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ता है सामना। ऋषिकेश में निजी हाथों में सौंपी जाएगी टेक होम राशन स्कीम, कई महिलाओं ने किया विरोध। चंपावत में जीआईसी 2021 की परीक्षा का आयोजन, 237 बच्चों परीक्षा में हुए शामिल। ऋषिकेश में हाईवे पर बने गड्ढे, बने लोगों के लिए मुसीबत, मेयर ने संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार। मसूरी में कोरोना से मृत लोगों के लिए महायज्ञ, छात्रों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किया पाठ। नैनीताल में भाजपा ने चलाया सदस्यता अभियान, कई महिलाओं ने थामा बीजेपी का दामन। नैनीताल में नंदा सुनंदा देवी महोत्सव को लेकर बैठक, डीएम ने आयोजन समिति के साथ की बैठक।
ट्विटर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का अकाउंट किया ब्लॉक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा जीत का आधार बनेगी यूथ समितियां। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा जब भी उत्तराखंडी दा पे आक्रमण होगा शमशान से भी आकर खड़ा हो जाएगा हरीश रावत। कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 20 करोड़ रुपए की चोरी, कैश वैन ड्राइवर रकम लेकर हुआ फरार। तकनीक व्यवसायिक प्रगति के बारे में जानकारी के लिए इजराइल और ईरान पर चीनी साइबर हमला। फिलीपींस में शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी को चेतावनी, 7.1 रही रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता। तालिबान ने 8वीं प्रांतीय राजधानी पर भी किया कब्जा, 439 आतंकी किए गए ढेर। अमेरिकी की खुफिया एजेंसी ने दिए बड़े खतरे के संकेत। गिलगित बल्टिस्तान में सीवेज का पानी पीने को मजबूर, फीस देने के बाद भी नहीं आता टीचर। स्थानीय लोगों व छात्रों ने बताया अपना दुख दर्द। तालिबान के खात्मे के लिए भारतीय वायुसेना की मदद चाहता है अफगानिस्तान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका ने माना तालिबान को रोकना मुश्किल, 3 महीने में कर सकते हैं काबुल पर कब्जा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अलग थलग पड़ा चीन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण में भारत ने बीजिंग को घेरा। कामचात्का क्षेत्र में रूस का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, हेलीकॉप्टर में 16 लोग थे सवार। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 83% प्रभावी है स्पुतनिक वी वैक्सीन। भारत के गिफ्ट किए हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा, कंधार जेल तोड़ कैदियों को भी छुड़ाया। पेंटागन ने कहा तालिबान बातचीत नहीं बल के प्रयोग से शासन करने को उतारू। वैक्सीन निर्यात और कोरोना से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 175 से ज्यादा स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पत्र। समुद्री जंग की तैयारी में जुटा अमेरिका, ट्रायल बम विस्फोट से समुद्र में 3.9 तीव्रता का भूकंप, चिंतित हुए चीन और रूस। यौन उत्पीड़न मामले में न्यूयॉर्क के गवर्नर का इस्तीफा, जांच में सही मिली 11 महिलाओं की शिकायत। ब्रिटेन में 75% आबादी वैक्सीनेटेड, फिर भी एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना मौतें। अमेरिका पर बरसे इमरान खान, कहा पाकिस्तान को समझा कचरा उठाने वाला भारत की खातिर छोड़ा। कोरोना वैक्सीन का विरोध, जर्मन नर्स ने 8600 लोगों को लगा डला फर्जी इंजेक्शन।
कारों की कब्रभा, बाढ़ में 4 लाख गाड़ियां खराब, नीलामी के लिए लगी कतार। दुनिया में उठी पाकिस्तान तालिबान पर प्रतिबंध की मांग, भारत पर आग बबूला हुई इमरान सरकार। इंडिगो ने शुरू की नई सर्विसेज, अब यात्रियों को लंबी कतार से मिलेगी राहत। आरबीआई ने आरबीएल बैंक को सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन के लिए दी मान्यता। एलआईसी आईपीओ की राह हुई आसान, बीमा संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से हुआ पारित। पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर आरबीआई और सरकार आमने सामने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा फ्यूल प्राइस को सरकार कर रही है मॉनिटर। बीएसई ने पेश किया एडन प्राइस बैट फ्रेमवर्क, स्मॉल कैप शेयरों पर 23 अगस्त से होगा लागू। लॉर्ड टेस्ट से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हुए स्टुअर्ट ब्रॉड। टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को खेलने पर भी बना सस्पेंस। कोहली ने प्लेइंग 11 को दिए संकेत, 4 तेज गेंदबाज के साथ उतरेगा भारत। श्रेयस अय्यर क्रिकेट खेलने के लिए हुए पूरी तरह फिट, आईपीएल में करेंगे वापसी। शाकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर आईसीसी को जुलाई चुने गए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। बाबर आजम अपनी सैलरी से नाखुश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लगाई पैसे बढ़ाने की गुहार। बादशाह और सहदेव दिर्दो का गाना बचपन का प्यार हुआ रिलीज, गाने में सहदेव रैपर बादशाह के साथ परफॉर्म करते आई नजर। गाना रिलीज होने के बाद ही सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। श्वेता तिवारी की बेटी पलक की डेब्यू फिल्म रोजी का टीजर आउट, एक हॉरर और सस्पेंस से भरी है इसकी कहानी। फिल्म में पलक रोजी के किरदार में आएंगी नजर। फ्रंटलाइन मिशन में वीरांगना बनी सारा अली खान का पहला लुक हुआ जारी, 13 अगस्त को होगा शो का प्रीमियर। तापसी पन्नू की रश्मि रॉकेट सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, 58 करोड़ की डील होने की चर्चा। लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का परिवार बनाएगा उनकी बायोपिक, बेटे अमित कुमार बोले परिवार से बेहतर उन्हें कौन जान सकता है। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।